2013 में पल्लवी जी को एक बेटा हुआ और हम सब की ही तरह पल्लवी जी भी अपने बच्चे को डायपर पहनाने लगी। पर मैंने देखा कि मेरे बेबी को बहुत सारे रैशेस और इन्फेक्शंस हो रहे थे और मैं उस वजह से काफी वरिड थी। और ये सब डायपर पहनने की वजह से हो रहा था। बच्चों को ही नहीं, डायपर्स एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इन डायपर्स को डीकम्पोज होने में 200 साल से भी ज्यादा लग जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में अराउंड 5 लाख किलो से भी ज्यादा डायपर वेस्ट जनरेट होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। यस, एक दिन में। इतना ही नहीं, मोस्ट डायपर्स में मिलने वाले केमिकल्स जैसे कि VOC, डायऑक्सिन्स, सोडियम पॉलीएक्रिलेट और एडहेसिव्स कुछ बहुत ही सीरियस इलनेसेस जैसे कि डर्माटाइटिस, कैंसर एंड इवन इम्पेयर्ड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का रीजन भी बन सकता है। पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसी टॉक्सिक चीजें पहना देते हैं। तो क्या आप बच्चों को डायपर्स भी ना पहनाएं? Well, I am not saying that, but जरा सोचिए, अगर इस चीज का कोई इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव हो तो। पल्लवी जी के दिमाग में भी यही स्ट्राइक हुआ और वो इस बारे में काफी पढ़ने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि इंडिया में क्लॉथ के नैपी, जिनको लंगोट भी कहा जाता है, वो हमेशा से यूज होते आए हैं, जो कि बेबीज के स्किन के लिए हेल्दी भी है और बिल्कुल हार्मफुल भी नहीं होते, और वो कपड़े से बने होते हैं, उसी कारण वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। पर ओवर टाइम इन कपड़े से बने लंगोट को डायपर्स ने रिप्लेस कर दिया, और इसके रीजंस काफी ऑब्वियस हैं। डायपर्स लंबे टाइम तक बेबीज की यूरिन को एब्जॉर्ब करके ड्राई रखते हैं, साथ ही इनको धोने या साफ करने का कोई इशू ही नहीं होता, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद हम इसे फेंक देते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं यूज करने के लिए। और मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो कि क्लॉथ नैपी के जैसे चिल्ड्रन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और डायपर के जितना पूप और पी भी एब्जॉर्ब कर पाए। और इसी आइडिया को सच बनाने के लिए मैंने अपना डायपर ब्रांड बनाया और मुंबई में सेटअप किया, सुपर बॉटम्स। सुपर बॉटम्स में अलग अलग तरह के ट्रायल्स स्टार्ट हो गए। और इसको बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कपड़े को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्बेंट बनाना, और इसके लिए हमने कई सारे मटेरियल्स ट्राई किए, जैसे कि रेयॉन, वूल, माइक्रोफाइबर, और ऐसे ही कई सारे आइटम्स को हिट एंड ट्राई किया और फेल हुए। और फिर फाइनली हमने ऑर्गेनिक कॉटन का ट्रायल किया और ये यूज करने के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा था। तो चलिए समझते हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन को यूज करके इन डायपर्स को बनाया कैसे जाता है। सुपर बॉटम्स डायपर बनाने की प्रोसेस शुरू होती है फैब्रिक सिलेक्शन से, जिसके बाद इस फैब्रिक को एजो फ्री डाई से प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। प्रिंट होने के बाद इसको लेजर कटर से कट करके शेप देते हैं और फिर इनके अंदर एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल से फिल करके स्टिच किया जाता है। एक बार स्टिच हो जाने के बाद फाइनली इन डायपर्स को क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है, और इस तरह से ये सुपर बॉटम्स बनके तैयार हो जाता है। ये डायपर्स एब्जॉर्बेंट होते हैं और इसी साथ किसी तरह के रैशेस या किसी बीमारी का भी कोई स्कोप ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और इन डायपर्स को हम 300 से भी ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, विच मीन्स कि ये एक सुपर बॉटम रियूजेबल डायपर अप्रोक्सीमेटली 300 डायपर्स को एनवायरमेंट में आने से बचाता है। हम अब तक ऐसे 2 लाख डायपर की सेल कर चुके हैं, विच मीन्स कि हमने अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन डायपर्स वेस्ट प्रोड्यूस होने से बचाए हुए हैं। और इससे एनवायरमेंट को बड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि इन डायपर्स को यूज करने से काफी एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। ये एनवायरमेंट, बेबी के हेल्थ और आपके पैसे भी बचाता है। तो इन रियूजेबल डायपर्स को आप सुपर बॉटम्स की इस वेबसाइट से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि सुपर बॉटम्स का आइडिया हमें काफी अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। और अगर आपको सुपर बॉटम्स की स्टोरी अच्छी लगी तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी ये स्टोरी पता चले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे।